वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो बच्चों, हम क्लास नाइन्थ मैथ की जो क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम के पर्पज से, आपके किसी भी एग्जाम के पर्पज से, चाहे वो मिड टर्म हो चाहे फाइनल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 6, 11 एंड 15 से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, वो पार्ट वन की वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं, 14 तक हो चुका है, 15 से स्टार्ट करते हैं। निम्न को ग्राफ पर दर्शाइए, ये पॉइंट को आपको ग्राफ पर दर्शाना है। ए है 3-5, इस तरह का क्वेश्चन आता है ग्राफ पेपर, और ये इजी क्वेश्चन है और पूरे मार्क्स आते हैं। ए है 3 और 5, बी है -7/2, 0, सी है 2 और -4, और फोर्थ क्वेश्चन में डी पॉइंट है 0 और -3। तो ग्राफ पेपर आपको मिलेगा ही, या फिर आप ले लेंगे, उसमें बराबर डिस्टेंस होती है। ये मैंने पेपर पे यहाँ पे बना के दिखाया आपको, बराबर डिस्टेंस है, 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो ए पॉइंट है 3 और 5, ध्यान दीजिएगा 3 और 5, तीन इसको हमें 5 तक लेके जाना है। तो मान लीजिए 5 यहाँ पे है, ठीक है, तो 3 को हमें कहाँ तक लेके जाना है, 5 तक लेके जाना है। ये 5 को यहाँ लेकर आइए, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तो ये है हमारा 3 और 5। बी है -7/2, -7/2 क्या होता है, -3.5 होता है, तो यानी माइनस एक्स का माइनस पॉइंट है, 3.5 यानी 3 और 4 के बीच में ये है, और वाई 0 है, तो आगे जा नहीं सकता, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे रहेगा ये वाला पॉइंट। ये क्या है, -7/2, 0, -7/2 देखिए इस तरह से भाग कर लेंगे इसे, तो -3.5 का 7/2 होता है, ठीक है। फिर सी पॉइंट क्या था, 2 और -4, यानी एक्स 2 और y -4, तो y कहाँ है, नीचे की तरफ है, ये देखिए यहां पर जहां ये पॉइंट मिलते हैं, ये सी पॉइंट है, x 2 है और y -4 है, d ऐसे ही x 0 है और y -3 है, ठीक है। तो y -3 सीधे देखेंगे, x 0 है तो ये वाला पॉइंट होगा, ये d x 0 y -3। इसके साथ ही क्वाड्रेंट पूछ लेते हैं कि भाई, ठीक है, तो आप क्वाड्रेंट का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस तरह का पूछ सकते हैं। मूल बिंदु भी पूछ रहे थे, मूल बिंदु के पॉइंट बताइए, मूल बिंदु के पॉइंट होते हैं 0 और 0, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 लिखा है तो सिर्फ 0 मत लिख के आइएगा, 0 एंड 0, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वाई एक्स पर किसी बिंदु का भुज क्या होगा, भुज यानी कि एक्स का पॉइंट 0 होता है, और एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि यानी कि वाई का पॉइंट 0 होगा, जो कि मैंने आपको यहां दिखाया, देखिए ये वाई एक्स है, इसपे इस अक्ष पे एक्स पॉइंट 0 होगा कहीं पे भी, और इस एक्स अक्ष पे वाई का पॉइंट 0 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि ग्राफ पेपर पर त्रिभुज एबीसी के बिंदु दर्शाने हैं, ए बी सी, और फिर त्रिभुज बनाना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो चीजें पूछी गई, पहले तो इसको दर्शाना है, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए ए देखते हैं कहाँ है, -2 और 0, इस तरह से आप बना लेंगे ग्राफ पेपर पे, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है, -2 और 0 यानी एक्स -2 है और वाई 0 है, तो ये पॉइंट होगा, हम इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, मैंने पहले बना रखा है इसको। फिर बी है 4 और 0 यानी एक्स 4 है और वाई 0, ये वाला पॉइंट होगा, और सी है 1 और 5, 1 को हम 5 तक लेके जाएंगे, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अब इनको हम मिला देंगे, इसको मिला देना है, तो ये त्रिभुज एबीसी बन गया, ए बी सी। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आधार ये हो गया आपका, यहां से यहां तक कितनी दूरी है, गिन लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर या 6 इकाई आप बोल सकते हैं। तो 1/2 6 है, यहां से यहां तक की दूरी हो गई 6, ठीक है, दूरी लेनी है, माइनस प्लस नहीं, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। और ऊंचाई, ऊंचाई ये है, ये देखिए ये है ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि लंब। अब यहां से यहां तक की दूरी आप देखिए 5 है, क्योंकि ये 5 पर पॉइंट है ना, तो ये हो गया 5। अब इसको काट दीजिए, 3 आ गया, तो ये हो गया 15 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सिद्ध करना है किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार आता है और ये किसी भी एग्जाम में इसके आने के पूरे चांस होते हैं, नाइन्थ क्लास में मैथ में।
तो क्वेश्चन नंबर 18, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे। इसके पॉइंट दे देते हैं ए बी सी। दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी। हमें सिद्ध क्या करना है, ये जरूर लिखना है आपको, सिद्ध करना है कि जो तीनों कोण है, एक दो तीन, कोण एक जमा कोण दो जमा कोण तीन बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक भुजा के, जैसे बीसी है, किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच देंगे। रेखा का नाम कुछ भी दे दीजिए। तो ये हम हल में करेंगे। हमने क्या किया, एल समांतर बीसी खींच दिया, जो किया है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम ये जानते हैं अंतः कोण बन रहा है, अंतः एक अंतर कोण बन रहा है ना, ये कोण और ये कोण देखिए जेड बन रहा है, तो इसका नाम अगर मैं तीन दे दूं, तीन तो है ही, चार दे देते हैं और इसको पांच, तो हम ये देख रहे हैं कि चार और दो बराबर हैं। ठीक है, ठीक वैसे पांच और तीन बराबर है और इन तीनों का कोण 180 योग होता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाती है। तो चलिए लिखते हैं, कोण चार जमा कोण एक जमा कोण पांच बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या है, रैखिक युग्म, रीजन है रैखिक युग्म। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि कोण चार कोण दो के बराबर है और कोण पांच कोण तीन के बराबर है। रीजन क्या है, अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण, रीजन जरूर लिखना है, एकांतर कोण। तो अगर ये दोनों वैल्यूज को यहां डाल दे, चार की जगह दो और पांच की जगह तीन, तो हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, तो एक से चार की जगह क्या हो गया, कोण दो जमा कोण एक तो था ही, और इसकी जगह कोण तीन हो गया बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आ चुका है 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन तीन चार लाइन का है, ये प्रमेय है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि पूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है। याद रखिएगा, ये पूरा कोण, पूरा होल, पूरा सर्कल 360 का होता है, तो ऐसे एक्स का मान निकल जाएगा। तो हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है x प्लस 120 प्लस x प्लस 10 बराबर 360 डिग्री होता है सबका योग। ठीक है, सबका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब इसको देखिए, x और x कितना हो गया, 2x, x और x हो गया 2x, और 120 और 10 130 डिग्री बराबर 360 डिग्री, तो 2x बराबर 360 माइनस 130 डिग्री। अब इसको माइनस कर दीजिए, तीन आ गया और ये दो आ गया, एक्स बराबर हो जाएगा, ये दो भाग में आ जाएगा, दो एकम दो, दो एकम दो, दो पंजे दस, 115 डिग्री हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्लियर है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 को। देखिए क्वेश्चन 20 में हमें दिख रहा है ना पी क्यू समांतर एस टी, ये इस तरह की फिगर, ये वाला क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है। ये कोण 130 दे रखा है और ये 110 डिग्री, आपको QRS यानी ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन और समांतर खींच देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये समांतर खींच दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हम जानते हैं ये प्लस ये 180 डिग्री होता है और ये दिया हुआ है, ये अंतः कोणों का योग होता है, अंतः कोणों का योग, तो आप ये कोण एक निकाल लेंगे, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक वैसे ही, अब ये सारी लाइन आपस में समांतर थी, जो लाइन है देखिए, लाइन फिगर में, ये इसके समांतर है, ये इसके, तो ये लाइन इसके अगर समांतर है तो ये Z बनेगा, तो 110 जो कोण है एक और दो कोण के बराबर होगा, एक और दो कोण 110 के बराबर होगा, क्या कहेंगे उसे, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो एक कोण तो निकलेगा 50, कोण दो का मान आ जाएगा 60 डिग्री। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 की बारी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, रचना करनी है त्रिभुज एबीसी की, रचना वाले चैप्टर से है ये, बीसी 7 है, कोण बी 75 डिग्री है और ए बी प्लस ए सी 13 सेंटीमीटर है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करना है। और एक माइनस वाला क्वेश्चन होता है, दो क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा। ठीक है, तो अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, पीई प्लस पीई नॉट, नॉट मतलब नहीं, या बार बोलते हैं, इसका मान हमेशा एक होता है बच्चों। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आ जाते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, 22वें का पीई 0.75 है, पीई नहीं निकालना, पीई नहीं इसी को कहते हैं। ठीक है, और हमेशा एक में से माइनस होता है, ध्यान देना है आपको, 22वें का सेकंड पार्ट, पीई नहीं निकालना है आपको, क्या निकालना है, पीई नहीं, तो वो होता है एक माइनस पीई, क्योंकि इन दोनों का योग एक था, एक में से ही माइनस करना, तो एक माइनस
0.75 माइनस करना है। अब माइनस कैसे करते हैं, देखिए 1.00 लगा लीजिए, 0.75 पॉइंट के नीचे पॉइंट हो, और सिंपल आप घटा सकते हैं, तो कितना आ गया 0.25 आंसर इसका आ चुका है। 23वां क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिक्स में स्वर की प्रायिकता बतानी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो 23वां क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में कुल अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर बताइए। पहले तो मैथमेटिक्स लिख लीजिए यहाँ पे, मैथमेटिक्स कुल कितने अक्षर है इसमें, टोटल गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अक्षर है। अब स्वर कितने हैं बच्चों, स्वर है एक, ए ई आई ओ है ना, 1 2 3 4 चार स्वर है, तो स्वर की प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता मतलब पीस प्रोबेबिलिटी, 4/11 आएगा, हमेशा टोटल नीचे आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 24 क्या है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आपको देखना होगा तो इसका पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 21, अभी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है। तो पासे को फेंकते, पासे यानी कि लूडो की गोटी, लूडो की गोटी को अगर आप एक बार फेंकेंगे तो क्या आएगा, कुल संभावित परिणाम हमेशा लिखते हैं, कुल संभावित परिणाम कौन कौन से होते हैं, या तो एक आता है, दो आता है, 3 4 5 6, तो टोटल कितने हुए, ये 6 हुए ना कुल संभावित परिणाम, क्लियर है, कुल संभावित परिणाम कितने हुए, ये 6 हुए। अब वो कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता, तो मैं ई मान लेती हूँ अगर उसको, सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग होती है, 2 के पहाड़े में आते, तो 2 4 6 2 4 6, ये 3 है, तो इसकी प्रायिकता अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/6 3 * 3 3 * 6 1/2। विषम पूछेगा तो वो भी 1/2 आएगा, तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे, सम संख्या, विषम संख्या या अभाज्य संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आपको करने आ गए तो आप लिख पाएंगे आराम से। नौ, किसी असंभव घटना की प्रायिकता बताने, असंभव घटना क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे बाइक के शोरूम में गए और आपको कार चाहिए तो मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना, गर्ल्स शोरूम में गए बॉयज की ड्रेस चाहिए, नहीं मिलेगी, तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। और निश्चित घटना, ध्यान देना, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित मतलब बाइक के शोरूम में गए तो बाइक मिलना ही मिलना है, निश्चित है, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो इसी के साथ ये जो 25 क्वेश्चन थे, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, शेयर और सब्सक्राइब ना भूलें वीडियो, अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में